क्या यार रामू, तुम भी क्या? तुमने रामू का नाम लिया? अरे वो मेरे मुंह से ना शायद गलती से निकल गया होगा। पूरे दिन मैं बुलाती रहती हूँ ना रामू को कि रामू ये कर दे, रामू वो कर दे, तो शायद मेरी जबान पे रखा हुआ होगा, इसलिए निकल गया बस। लेकिन साक्षी, तुम्हें तो रामू का नाम तब लेना चाहिए ना जब तुमको कोई काम हो, कुछ बोलना हो रामू को, तब बोलना चाहिए था उसका नाम। लेकिन तुमने उसका नाम तब लिया है जब मैंने तुमको चूटी काटी है, तब तुमने नाम लिया है। मैंने टच किया है तुम्हें, इस टाइम तुम्हें रामू नाम लेने का क्या मतलब है? मतलब तुम मुझ पे शक कर रहे हो? देखो, जब से तुमने ये फॉरेंसिक की जॉब ज्वाइन करी है ना, तब से तुम मुझ पे कुछ ज्यादा ही शक करने लग गए हो। मैंने तुम्हें कह दिया ना कि गलती से मेरे मुंह से निकल गया होगा, तुम भी ना। अच्छा साक्षी, कहीं ऐसा तो नहीं वो तुम्हें परेशान करता हो, छेड़ता हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना? नहीं, वो मुझे कोई परेशान वरेशान नहीं करता है। वो तो मैं पूरे दिन उसका नाम लेती रहती हूँ ना, तो बस इसीलिए मेरे मुंह से गलती से निकल गया होगा। मैंने बताया तो तुम्हें, तुम खामखा में इतना परेशान हो रहे हो। तुम सही कह रही हो, इस जॉब के चक्कर में ना मैं ज्यादा सोचने लग गया हूँ। कहीं ऐसा ना हो ये जॉब हमारा डिवोर्स करा दे। हाँ, मैं भी तो यही कह रही हूँ ना कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लग गए हो। छोड़ो ये सब। खैर, मैंने ना तुम्हारा खाना पैक कर दिया है, तो तुम जब ऑफिस जाओगे ना तो लेते हुए जाना। अच्छा ठीक है, मैं जॉब पर जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। हेलो रामू, मुझे ना तुझसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। देख, जो भी हमारे बीच में था ना, तू वो सब भूल जा। कहीं ये हमारी आदतें मेरा डिवोर्स ना करा दे। तू ना एक काम कर, कुछ टाइम के लिए ना अपने गांव चला जा, 2-3 महीने बाद ही आई हो यहाँ पर। ठीक है मैडम, चला जाऊँगा, कुछ पैसे तो करवा दो। हाँ हाँ ठीक है, तेरे पैसे तुझे मिल जाएंगे, मैं दे दूँगी, बस तू अपने गाँव जाने की तैयारी कर। तुझे पता है आज क्या हुआ? आज ना अरुण थे किचन में और मेरे मुंह से तेरा नाम निकल गया। आज तो मैं बाल बाल फंसती, वो तो बच गई। तो एक काम कर, जल्दी से अपने गांव जाने की तैयारी कर, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। चल ठीक है, रखती हूँ। अरे आ गए तुम, ऑफिस नहीं गए क्या? साक्षी, मेरा ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा है और इस घर में रहने का भी मेरा दिल नहीं कर रहा है। इनफैक्ट तुम्हारे साथ रहने का भी दिल नहीं कर रहा है मेरा। अरुण, ये तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम बीमार तो नहीं हो कहीं? बीमार तो मैं पहले था, मुझे तुम पर अंधा विश्वास करता था। अच्छा हुआ तुम्हारी हकीकत मेरे आंखों के सामने आ गई। हकीकत? कौन सी हकीकत? ये कैसी बातें कर रहे हो अरुण तुम? वही हकीकत जो तुम मेरे पीठ पीछे कर रही थी और मेरे को धोखा दे रही थी। ये क्या बोल रहे हो अरुण तुम? मैं धोखा दे रही थी वो भी पीठ पीछे? देखो मुझे ना ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जो भी तुम बोलना चाहते हो ना, प्लीज साफ साफ बोलो। और मैंने किया क्या है आखिर? बात बताने लायक रह ही नहीं गई है, खुद से पूछो तुमने क्या किया है। अगर मैंने बताया ना तो तुम अपनी नजर में गिर जाओगी। अरुण, तुम इतनी पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ बोलो ना, आखिर बात क्या है? पहेली? बस करो साथी, तुम्हारा सारा नाटक मैं जान चुका हूँ, तुम्हारा सारा सच मेरी आंखों के सामने है। देखो अरुण, तुम कौन से सच की बात कर रहे हो मुझे नहीं पता और ना ही मुझे कुछ समझ में आ रहा है। वही सच जो तुम मेरे पीठ पीछे रामू के साथ आसकी लड़ा रही थी। ये क्या बोल रहे हो अरुण तुम? रामू के साथ? तुम कुछ भी बोल दोगे क्या? एटलीस्ट बोलने से पहले सोचा तो करो कि क्या बोल रहे हो। साक्षी और ज्यादा नाटक मत करो, तुम्हारा सारा सच मुझे पता चल चुका है। मैंने खुद अपनी आंखों से और कानों से सुना है तुम्हें रामू से बात करते हुए। तुम्हें पता है मैं ऑफिस क्यों नहीं गया था? अरे मैं अपना फोन भूल गया था किचन में। मैं जब अपना फोन लेने आया किचन में तब मैंने देखा तुम्हें। साक्षी क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुम रामू के साथ इतना गिर जाओगी?
अरुण तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। देखो जैसा तुम्हें लग रहा है ना, सच में वैसा कुछ भी नहीं है। वो तो मैं रामू से बस ऐसे ही बात कर रही थी। तुमने जो सुना है ना वो सब झूठ है। सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा यकीन करो तुम। गलत सुना है मैंने? अरे पागल, सब कुछ मेरे सामने है, मैंने खुद देखा है तुम्हें रामू से बात करते हुए। फिर भी तुम ये सब छुपाने में लगी पड़ी हो। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। अब मैं तुमको डिवोर्स दूंगा। नहीं 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 अरुण, देखो तुम मुझे डिवोर्स मत दो। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन सच में आई एम रियली सॉरी। मैं ना ऐसी गलती कभी रिपीट नहीं करूँगी। वो तो बस एक छोटी सी गलती थी जो मुझसे ना जाने अनजाने में हो गई, लेकिन मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। क्या कह रही, छोटी सी गलती है? अरे ये छोटी गलती नहीं है। मैं तुम्हारे लिए बाहर कमाने जाता हूँ ताकि तुमको खुश रख सकूँ। दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने रामू के साथ आज की लड़ाई, तुमने बहुत गलत किया है और इस गलती के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इसीलिए कह रहा हूँ तुम मेरी आंखों के सामने से चली जाओ, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अरुण, एक बार बोल दिया ना मैंने, जाओ। समझ नहीं आती एक बार में बात?